कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री सातवां अध्याय। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने न किसी से अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूं। मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूं। अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूं, क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थीं, भीतर भयंकर बातें थीं। तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से, परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी, और उसने तुम्हारी लालसा और तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सो देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था, वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया, और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारी उत्तेजना जो हमारे लिए है, वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। इसलिए हमें शांति हुई, और हमारी इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया है। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थीं, वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। और जब उसको तुम सब के आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि क्यों कर तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। मैं आनंद करता हूं कि तुम्हारी ओर से मुझे हर बात में ढाढ़स होता है।